हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिलाल सर में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 2 संघवाद के बारे में। तो दोस्तों, आज इस चैप्टर में हम समझेंगे कि संघवाद क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है, भारत में संघवाद की किस प्रकृति को अपनाया गया है, संघवाद के कितने प्रकार होते हैं और एकात्मक सरकार व्यवस्था क्या होती है, यानी संघवाद और एकात्मकता में जो अंतर है उसको भी हम समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। और हम इस चैप्टर में आने वाली वीडियो में देखें ना कि विकेंद्रीकरण क्या होता है, क्योंकि एक ही वीडियो में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, क्योंकि बहुत अच्छी तरह समझाना होता है और मैं आपको अगर जल्दी जल्दी बता दे चला गया तो आपके ऊपर से भी कुछ, यानी वो कहते हैं बाउंसर जाएगा। अब कोई भी बॉलिंग करेगा, बुमराह बॉलिंग करेगा तो आप नए नए खेलने के लिए आएंगे तो क्या हो जाएगा, बाउंसर तो जाएगा, तो बाउंसर नहीं झेलना दोस्तों। आपको मैं इतने अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा कि आप कभी जिंदगी में संघवाद को भूलेंगे ही नहीं, राइट। चलिए, संघवाद होता क्या है? संघवाद है दोस्तों एक ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच बंटवारा होता है। यानी संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जिस किसी देश की शासन व्यवस्था को दो भागों में बांटा जाता है, या दो भाग कह लीजिए या दो स्तर कह लीजिए। अगर मैं अपने भारत की एग्जांपल लेते तो भारत के क्या है, एक संघवादी देश है, और भारत एक संघवादी देश है तो यहाँ पर इसकी शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य के स्तर पर किया गया है। अब केंद्र और राज्य के स्तर पर शक्तियों का बंटवारा क्यों किया जाता है, क्योंकि केंद्र और राज्य अपने अपने शक्तियों को लेकर कभी आपस में लड़े ना, या उनमें ऐसा कोई अंतर्द्वंद पैदा ना हो जिससे देश में विभाजन की बात आ जाए। इसलिए क्योंकि जब हम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम थे और उस समय हम संघवादी व्यवस्था से बिल्कुल परिचित नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे हमने क्या किया कि हम, क्योंकि हम क्या है, पूरी तरह से डाइवर्सिटी है, हमारे देश में विविधता है भाषा के आधार पर और जाति के आधार पर, बोलियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, तो इतनी विविधता भरे देश में एक संघवादी व्यवस्था को ही अपनाना सबसे महत्वपूर्ण हुआ था। इसलिए हमने क्या अपनाया था, संघवादी व्यवस्था, और क्यों, ताकि राज्य और केंद्र दोनों अपने अपना विकास कर सके, राइट। तो संघवाद समझने से पहले एक बार मैं आपको एकात्मक सरकार के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप लोग कंपेरिजन करके एकात्मक और संघवादी व्यवस्था में अंतर समझ पाएं। जैसे हमने कहा कि संघवाद क्या है दोस्तों, कि इसमें दो एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासन की शक्तियों का केंद्र तथा राज्य स्तर पर बंटवारा किया जाता है, लेकिन जो एकात्मक सरकार व्यवस्था होती है यानी एकात्मक शासन व्यवस्था होती है उसमें राज्य की संपूर्ण शक्ति का एक ही सरकार में नहीं थी, यानी जो राज्य की संपूर्ण शक्ति है, राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था है वो एक ही सरकार में निहित होती है, और एक ही सरकार में निहित होने का मतलब है कि पूरी की पूरी शक्ति का संचालन केंद्र से ही होता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि एकात्मक सरकार में स्थानीय सरकार नहीं होती, एकात्मक सरकार में स्थानीय सरकार भी होती है, राज्य सरकार भी होती है, परंतु राज्य और स्थानीय सरकारों को शक्तियां कौन प्रदान करता है, केंद्र प्रदान करता है, राइट। यह है एकात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन इसके विपरीत जो संघवादी शासन व्यवस्था होती है इसमें क्या होता है, इसमें केंद्र और राज्य दोनों के शक्तियों का समान रूप से विभाजन कर दिया जाता है, ताकि दोनों दो अपने अपने राज्य क्षेत्र में सही प्रकार से सफलतापूर्वक कार्य कर सके और इनमें किसी प्रकार का द्वेष या कलह ना हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर भारत के संघवाद की बात करें तो यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है, यहाँ पर शक्तियों का बंटवारा तीन सूचियों में किया गया है। उन तीन सूचियों में जो सबसे पहले वो केंद्र सूची, और केंद्र सूची को दोस्तों सबसे बड़ी सूची भी कहा जाता है। दूसरी है दोस्तों वह राज्य सूची, और तीसरे की अगर हम बात करें तो उसे हम कहते हैं समवर्ती सूची। एक और सूची है मेरे दोस्तों, उसे हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले आप ये तीन सूचियाँ समझ लीजिए, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 100 विषय दिए गए हैं, और इन 100 विषयों में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, केंद्र सरकार के पास है। अगर हम एग्जाम्पल के तहत ले तो यहाँ पर डाक व्यवस्था के आप ले सकते हैं, या पोस्ट ऑफिस की बात करें से, यानी यहाँ पर बात करते हैं सेना, सेना से संबंधित जितने भी निर्णय होते हैं वो कौन लेता है दोस्तों, केंद्र सरकार लेती है, राइट। इसके बाद राज्य सूची में अभी हमारे पास कितने विषय है दोस्तों, 61। हालांकि जब हमारा संविधान, मूल संविधान लागू किया गया उस समय और इस समय में बहुत सारा परिवर्तन किया जा चुका है, तो अभी जो फिलहाल अभी वर्तमान में हमारे पास कितने विषय हैं, 61 विषय है राज्य सूची में। तो 61 विषय में राज्य सूची दी गई है, जो इन 61 विषयों में कानून कौन बना सकता है, राज्य सरकार बना सकती है। यहाँ पर केंद्र सरकार किसी प्रकार को कोई दखल नहीं करेगी, लेकिन एकात्मक शासन व्यवस्था में
केंद्र सरकार का दखल होता है, क्योंकि केंद्र सरकार ही शक्तियों का बंटवारा करती है, राइट। ये जो समवर्ती सूची है, तो समवर्ती सूची में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, इस समय इसमें क्या है, 52 विषय। इस 52 विषय में क्या है दोस्तों, कि जो समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकती हैं, बशर्ते क्या है कि मान लो कभी किसी ऐसे विषय पर केंद्र और राज्य में ये बात आगे बढ़ जाए कि मेरा कानून अच्छा है या मेरा कानून अच्छा है, तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार के कानून को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। यानी समवर्ती सूची जो एक तरह हम कह सकते हैं कि केंद्र का पलड़ा भारी होता है और हमेशा वो केंद्र सरकार की बात मानी जाएगी, अगर राज्य सरकार अपनी बात सिद्ध करने में असफल हो जाती है तो, राइट। एक जो अवशिष्ट शक्ति हमने कहा, हमसे इसे बाद में चर्चा करेंगे या आने वाली कक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको मैं बता दें तो अवशिष्ट शक्तियाँ होती क्या है। अवशिष्ट शक्तियों में उन विषयों को शामिल किया गया है जो जब हमारा संविधान लागू किया गया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उस समय वो परिस्थितियां उत्पन्न नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल के लिए साइबर अटैक, आतंकवाद, ये जो नई नई अभी परिस्थितियां आ रही ना इंटरनेट के माध्यम से, उन सभी विषयों को कहाँ रखा जाता है, अवशिष्ट शक्तियों में। और अवशिष्ट शक्तियों का कंट्रोल किसके हाथों में होता है, केंद्र सरकार के हाथों में होता है। तो आप समझ गए, संघवाद में शक्तियों को बंटवारा 3 स्तर पर किया गया है, केंद्र सूची केंद्र स्तर पर, राज्य सूची राज्य स्तर पर, और समवर्ती सूची दोनों के लिए। यानी केंद्र सूची पर सरकार, यानी कानून कौन बनाएगी, केंद्र सरकार बना सकती है। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, राज्य सरकार बना सकती है। समवर्ती सूची पर दोनों को बनाने का अधिकार है, और अवशिष्ट शक्तियां जो है किसके हाथों में होती है, केंद्र सरकार के हाथों में, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो संघवाद और एकात्म सरकार में अपने अंतर समझ लिया, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं कि भारत में संघवाद, दोस्तों भारत में संघवाद, जैसे मैंने अपने वीडियो के शुरू में आपको बताया कि भारत में संघवाद की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत में संघवाद की आवश्यकता इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमारे यहाँ का डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी एक बात को लेकर नहीं, यहाँ पर भाषा के आधार पर है, है ना, यहाँ पर हर एक किलोमीटर में बोलियाँ बदल जाती हैं, है ना, खान पान अलग है, है ना, धर्म अलग है, यानी हम दुनिया के सबसे ज़्यादा विविधतापूर्ण देश हैं, और यही हमारी पहचान भी और यही हमारी खासियत है जो हमें आपस में भाईचारे के साथ रहने का तरीका सिखाती है। जब इतने बड़े विविधतापूर्ण देश हैं तो विविधता भरे देश में कोई एक अकेला व्यक्ति शासन कैसे चला सकता है। मैं मान लेता हूँ अगर हमारे घर में 20 परिवार के लोग, यानी 20 लोग हैं, और 20 लोगों को एक अकेला व्यक्ति हैंडल करने, जब एक 20 लोगों का एक अकेला व्यक्ति हैंडल नहीं कर सकता, तो सोचिए हमारे देश की जनसंख्या आज 1.14 करोड़ के आसपास पहुंचे, यानी 140 करोड़ के आसपास हमारी जनसंख्या क्या हो रही है, क्रॉस कर रही है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को कोई अकेला सरकार कैसी संभाल सकती है, और इससे क्या होता है कि इसे राज्य सरकार होगा उसमें क्या हो, अंतर्द्वंद पैदा हो जाए, वो सोचेगी जो केंद्र सरकार है वो सिर्फ अपना ही ख्याल रख रही है, हमारे पर ध्यान नहीं दे रही है। और अगर ऐसी स्थिति आ जाती है दोस्तों, तो ऐसी स्थिति से क्या होता है, अलगाववाद उत्पन्न होता है, जिसकी परिणति हमने क्या देखा हुआ, पहले देख चुके हैं कि किससे मुतले में, हमने देखा हुआ कहाँ पर, आंध्र प्रदेश, हमने देखा है तेलंगाना और उत्तर यानी पूर्वी राज्यों में, वहाँ बार बार अलगाववादी नारे, अलगाववादी की मांग उठती ही रहती है। क्यों, क्योंकि वहाँ की राज्य सरकारें हमेशा केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं कि आप हमारे अधिकारों को दबा रहे हैं, हमारे विकास नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, इसीलिए हमने क्या किया था, संघवादी व्यवस्था को चुना था, राइट। तो अब हम बात करते हैं संघवाद कितने प्रकार का होता है, भारत के संघवाद की चर्चा हम करेंगे कि कितने प्रकार के, इससे पहले हम जानेंगे जो संघवाद हम चुन रहे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक संघवाद होता है सात आकर संघ बनाना, सात आकर संघ बनाने का मतलब होता है कि इसमें जो संघ है, यानी अगर हम बात करें ना भारत की, तो भारत में क्या गया, अनुच्छेद एक में कहा गया ना कि भारत क्या होगा दोस्तों, अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, यानी यहां पर ना हम राज्य और केंद्र दोनों की शक्तियों को बराबर बराबर भागों में बांट दिया गया है, यानी केंद्र का राज्य पर किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं, यानी दोनों विकास करेंगे सहयोगात्मक विकास के तरीके से। लेकिन जो साथ लेकर संघ बनाना दोस्तों, यहाँ पर साथ लेकर संघ बनाने का मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर। अब होल्डिंग टुगेदर में क्या आ जाएगा दोस्तों, कि जो केंद्र सरकार है ना वो राज्य सरकार को क्या करेगी, साथ लेकर आएगी। तो यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और राज्य सरकार कम मजबूत होगी, लेकिन इस वाली स्थिति में दोनों को बराबर बराबर अधिकार दिया जाएगा। चलिए ये भी समझ गए आप। तो मैंने कहा था कि हम समझाएंगे आपको भारत में कैसा संघवाद है, तो भारत में दो प्रकार के संघवाद होते हैं। एक संघवाद को हम कहते हैं
सॉरी सहयोगी संघवाद जो भारत का है, बस को नाम जान लीजिए। सहयोगी मतलब होता है राज्य और केंद्र सरकार आपस में क्या करेंगे, सहयोग करेंगे, किसी मामले में विकास के मामले में, एक होता है। दूसरा जिसे हम कहते हैं प्रतियोगी संघवाद, प्रतियोगिता यानी प्रतियोगी संघवाद क्या होता है दोस्तों, प्रतियोगी संघवाद में राज्य और केंद्र सरकार, या इसे प्रतिस्पर्धा भी कह सकते हैं, राज्य और केंद्र सरकार दोनों एक दूसरे में क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा करेंगे, किसके लिए, विकास करने के लिए। तो पहले वाले में विकास साथ साथ चलेगा, दूसरे वाले में जिसे प्रतियोगी संघवाद कहते हैं उसमें एक दूसरे के बीच क्या करेंगे, प्रतिस्पर्धा, किसके लिए, आगे निकलने के लिए, आगे बढ़ने के होड़ के लिए। चलिए ये भी समझ गए। अब हम संघवाद लक्षण की चर्चा करते हैं, संघवाद के आखिर लक्षण क्या है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई देश संघवादी है, हमें कैसे पता चलेगा कि भारत संघवाद है। वो ऐसे पता चलेगा विधायिका दो स्तर की, तो विधायिका दो स्तर का मतलब होता है यहाँ पर जैसे हम एग्जांपल बात करें तो भारत में विधायिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, यानी लोकसभा और राज्यसभा, यानी केंद्र में लोकसभा है और राज्यसभा। इसी प्रकार अगर राज्य की बात करें तो राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद। दूसरा दो प्रकार की सरकार होती है, राज्य स्तर पर होती है और एक केंद्र स्तर पर होती है। तीसरा प्रत्येक स्तर की शक्तियां संविधान में लिखित होती हैं, यानी जो संघवादी देश होते हैं उनमें प्रत्येक स्तर की शक्तियां कहां लिखित होती है, संविधान में। जैसे हमने कहा कि राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, उसी प्रकार से कोई अकेली सरकार संविधान का परिवर्तन नहीं कर सकती। यानी संघवादी लक्षण का सबसे महत्वपूर्ण ये होता है दोस्तों, कोई अकेली सरकार किसी भी संविधान का परिवर्तन नहीं कर सकती है। न्यायपालिका को संविधान का रखवाला कहा जाता है, सिंपल शब्दों में फॉर एग्जाम्पल के लिए भारत की न्यायपालिका जो है हमारे मौलिक अधिकारों की क्या है, संरक्षक है। ये संघवाद का सबसे बड़ा लक्षण माना जाता है। अब संघ सरकार की विशेषताओं की बात कर लेते हैं, तो संघ सरकार की विशेषता क्या है दोस्तों, सबसे पहले लिखित तथा कठोर संविधान। लिखित संविधान भारत का है और भारत का संविधान कठोर लचीले का मिश्रण है, लेकिन कठोर संविधान का अगर हम उदाहरण देंगे तो अमेरिका, क्योंकि अमेरिका दुनिया का पहला संघवादी देश है, याद रखना आप ये भी। संविधान की सर्वोच्चता होती है, यानी संविधान क्या सबसे सर्वोच्च होता है, ना केंद्र सर्वोच्च है ना राज्य सर्वोच्च है, सबसे बड़ा कौन है, संविधान है, इसका सबसे बड़ा निरीक्षण होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्यायपालिका पर किसी भी प्रकार का ना तो केंद्र सरकार का दबाव होगा ना राज्य सरकार का दबाव होगा, न्यायपालिका अपने कार्य अपने आधार पर करने में सक्षम होती है। इसके बाद इसकी विशेषता है दोस्तों दो स्तरीय विधायिका, दो स्तरीय विधायिका हमने ऊपर चर्चा कर ली, यानी लोकसभा, केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा, राज्य में विधानसभा और विधान परिषद। शक्तियों का विभाजन, जैसे हमने आपको बता दिया शक्तियों का विभाजन भारत में तीन तरीके से किया गया, केंद्र स्तर पर, राज्य स्तर पर और समवर्ती सूची पर, यानी तीनों ग्रुप में बांट दिया गया है ताकि किसी में द्वेष उत्पन्न ना हो। सो इस वीडियो में ना आपको बस समझना था और आपने आयोग आपने अच्छा समझा भी होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF दे दी है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जो हम लाएंगे वो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के साथ लाएंगे, जो आपके एग्जाम में 100% आने की संभावना है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद और स्टडी पर फोकस कीजिए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मैं भी समझता हूँ और बहुत से बच्चे भी के पास इतने संसाधन है नहीं कि वो स्कूल जा सके, या उनके पास इतने संसाधन नहीं कि वो ट्यूशन ग्रहण करते। आपके लिए एक साधन उपलब्ध कराना चाहता हूँ जिससे वो उन बच्चों तक पहुँच सकूँ जिन जो पढ़ना चाहते हैं परंतु वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, ताकि उनके पास फ्री एक्सेस हो। क्योंकि हम वीडियो में PDF इसलिए दे रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें, क्योंकि बहुत से चैनल देखोगे ना वहाँ पर ज्वाइन करने के लिए कहा जाता है कि वीडियो पहले ज्वाइन कीजिए तब आपको PDF दी जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि भारत का हर एक बच्चा आगे बढ़े, यानी सबके साथ सबका विकास, हम स्लोगन नहीं कहेंगे, यानी हम करके दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।